बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पान शेप में ये नेक की बहुत ही यूनिक सी डिज़ाइनिंग है वो बनाने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देखिएगा, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने कैनवास पेपर लिया है जिसके ऊपर से डबल फोल्ड किया हुआ है, ऊपर से विड्थ मैं 3 इंच ले रही हूँ और नीचे मैं इसको 5 इंच पे मार्क कर लूँगी। ये बिल्कुल नॉर्मल साइज़ है लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल साइज़ है। तो इसको इस तरह से बॉक्स हमने ड्रॉ करना है और इसको इस तरह हमने राउंड शेप दे देनी है हल्की सी। और छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल को सिलेक्ट करें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे और अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो ये 1.25 इंच का मैं और मार्जिन लूँगी, ये मार्क्स लगाएँगे 1.25 इंच पर और इन मार्क्स को भी हम आपस में मिला लेंगे। तो वीडियो जो है ना वो फुल देखा करें, स्किप ना किया करें, इस तरह जो है डिज़ाइनिंग वो आप लोगों की जो है वो आपको समझ में नहीं आती और ख़राब हो जाती है। तो ये इस तरह हमने लाइन ड्रॉ कर लिया। तो नीचे भी 1.25 इंच पे मैं एक निशान लगा लूँगी, नीचे 1.25 इंच का। तो यहाँ पे 1/2 इंच का ऊपर से मार्जिन लेंगे और उसको और नीचे जो 1.25 इंच का मार्क्स लगाया था उनको आपस में मिला लेना है। इस तरह से वी शेप थोड़ी सी दे लेनी है और इसी तरह ऊपर भी हमने इस तरह से उसको वी शेप दे देनी है, यानी हमने एक पान की शेप देनी है ये। तो यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए एक और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। कटिंग हमारी ये कंप्लीट हो गया, अब हम इसको फैब्रिक पे पेस्ट कर लेंगे। ओके, हमने इसको फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया है, अब हम इसको स्टिच कर लेंगे। स्टिचिंग की तरफ चलते हैं। तो ये हम मेन शर्ट के साथ पहले जो बाहर वाला गला था उसको अटैच कर लेंगे और अटैच करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक निकालते हुए छोटे छोटे नोचेस लगाएंगे और इसको टर्न करेंगे और प्रेस कर लेंगे। तो जो नीचे अंदर वाला साइड पे हमने कॉलर कट किए थे उनको भी हम इसी तरह अंदर वाली साइड पे हम इस तरह स्टिच करेंगे, जिस तरह आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं। इस तरह से हमने इसको स्टिच कर लेना है कैनवास पेपर के साथ साथ, अंदर वाली साइड से, बाहर वाली साइड से हमने इसको स्टिच नहीं करना, अंदर वाली साइड से जिस तरह आम हम कॉलर लगाते हैं मैन कॉलर उसी तरह है ये, लेकिन यह है कि ये सेपरेट है। तो इस तरह से कोना आपने नीट बनाना है क्योंकि उसी से हमारी फिनिशिंग आएगी पान की, जो पान हमने पान शेप बनाई है नीचे उसकी। तो इसी तरह दूसरी साइड भी हम इस तरह से स्टिच कर लेंगे। बस यहाँ कोने पे आपने ध्यान देना है कि उस वो कोना ना दबे। तो ये हमने स्टिच कर लिया है, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो मैं वन साइड की कटिंग करके आपको दिखाती हूँ कि किस तरह कटिंग करना है और फिर दूसरी भी हम इसी तरह ही कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हल्का सा मार्जिन देते हुए हमने इसको कट कर लेना है और बाहर से भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने निकाल देना है और यहाँ छोटे छोटे नोचेज लगा के तो इसको हम टर्न कर लेंगे और प्रेस कर लेंगे। और कोना आपने अच्छे से बाहर निकालना है किसी न किसी चीज़ से। तो इसी तरह आपने दूसरा भी करना है। ये मैंने कर लिया और इसके ऊपर जो मैंने डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ किया ये डोरी है, ये कहीं भी आम शॉप से लेस वाली जो शॉप होती है लेसेस वाली उनसे आपको ये मिल जाएगी। ये डोरी हर तरह हर कलर में होती है, मैं यहाँ पे ग्रीन कलर यूज़ कर रही हूँ और ये मैं 3 डोरी इस तरह से आप जिस तरह ये देख रहे हैं यहाँ, ये नोट करने वाली बात है। तो इसको इस तरह से ये 3 डोरी मैंने यूज़ की हैं, पहले एक छोटी फिर उसके ऊपर एक डोरी फिर उसके ऊपर डोरी। तो ऐसे यूएसयू के साथ इसको अटैच करना है ऊपर लगा के, तो इसको ऊपर प्रेस कर लेना है ताकि ये अच्छे से जो इसके ऊपर रहे और खड़ी ना हो, ऊपर ना निकले और सिलाई भी हमारी अच्छे से हो जाए। इसी तरह ये मैंने सारी जो है इसी तरह ही डोरी लगाई है। तो इस तरह से इसको लगाना है आपने यूएसयू की मदद से। ओके, हमने ये लगा दिया, कंप्लीट हो गया, अब हम इसको स्टिच कर लेंगे। तो जब इसको हमने स्टिच करना है तो हमने
जो हमने नीचे वो कट लिया था उस साइड से आपने इसको स्टिच करना है, तो हमारा ये कट बनेगा, हमारी पान शेप अच्छी बनेगी। ओके, ये स्टिच हो गया और यहाँ जो पान ऊपर से शेप बन रही थी उसको मैंने सुई के साथ अटैच कर लिया है और मैंने यहाँ पे बीड्स यूज़ किए हैं। आई होप सो कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।